क्या आपने कभी रक्तदान करा है, ब्लड डोनेशन? अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी। सो हेलो एवरीवन, हमारे कॉलेज में लगा था रक्तदान शिविर, यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप, जहाँ बहुत सारी लड़कियों ने ब्लड डोनेट करा था, साथ साथ बाहर के लोगों ने भी आकर यहाँ पर ब्लड डोनेट किया था। तो चलिए हम आपको अपना कॉलेज दिखाते हैं। ये है हमारा चेंजिंग रूम, जहाँ पर लड़कियाँ अपना बुरखा चेंज करती हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं चार्ट पेपर, जहाँ पर लड़कियों ने चार्ट पेपर के थ्रू ये दर्शाया है कि ब्लड देना कितना ज़रूरी है। तो इन्हीं चार्ट पेपरों से हमारे कॉलेज में डेकोरेशन की गई थी और पूरा कॉलेज को इसी तरह से डेकोरेट किया गया था। आगे मैं बहुत सी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि किस किस तरह से क्या क्या लड़कियों ने बनाया था। इतने चार्ट पेपर थे कि मैं वीडियो बना बना कर थक गई थी। इन्हें पॉज कर करके मैंने सिर्फ चार्ट पेपर के ही लिए थे, वरना अगर मैं इस तरह से लेती तो बहुत ही टाइम लग जाता। आपको कौन सा चार्ट पेपर ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सारे पोस्टर देखने के बाद मैं कंफ्यूज हो गई कि सब में जो है इन्होंने हार्ट का शेप डाल रखा है, क्यों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे कॉलेज में ये 4 दिसंबर को हुआ था और हम भी गए थे सुबह सुबह। हमने सोचा कि ये हमें भी देखने को मिल जाएगा कुछ प्रोग्राम अंदर का, लेकिन हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। गर्ल्स ने कहा अंदर एंट्री बस उन्हीं की है जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं और जिन्होंने ये पोस्टर वगैरह बनाए हैं। तो ये था लास्ट पोस्टर और अब हम चलते हैं जहाँ वेट वगैरह चेक किया जा रहा था। तो हमारी फ्रेंड कहने लगी कि हम भी अपना वेट चेक करते हैं कि कितना है, इस बहाने हमारा वेट पता चल जाएगा। हम लोग गए लाइन में लगे और फिर पता चला, उन्होंने हमें देखते ही कह दिया कि तुम तो ब्लड डोनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो उन्हीं लोगों का वेट चेक कर रहे थे जिनका ब्लड डोनेट करना है। और उन्होंने तो बस हमारी शक्लें देखी और कह दिया कि नहीं, अब तुम नहीं हो सकता, जाओ। तो यहाँ भी कुछ पोस्टर लगे थे, तो हमने जब तक पोस्टर की वीडियो बना ली। आप लोगों ने कुछ नोटिस करा, मैंने आवाज़ रिकॉर्ड करते टाइम नोटिस किया कि ये लड़की जो है कुछ खा रही थी, तो अपना मुंह देखो किस तरह से साफ कर रही है। तो आगे एक थॉट लिखा हुआ है जो अच्छा तो था, लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आई। इन्होंने लिखा है कि एन के BMG में ही आकर दे सकते हैं। बीच में मेरी बहन बोल पड़ी थी और बीच में इतना डिस्टर्ब करते हैं ये लोग आवाज़ रिकॉर्ड करते टाइम पर, पूछिए मत। हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि हम एन के BMG में ही दे सकते हैं या कहीं और भी दे। तो हम अब आते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारा होम साइंस की डिपार्टमेंट की तरफ से डेकोरेशन थी जो आपके सामने है। सारे डेकोरेशन में मुझे भी ये जो A+ B+ A-B- की डेकोरेशन हुई हुई है, ये मुझे सब अच्छी लगी। होम साइंस डिपार्टमेंट के बाद हुई थी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की डेकोरेशन, वो अब आप देखिए। अलग अलग डिपार्टमेंट जहां प्रोग्राम हुआ और यहां हमारे गेस्ट हॉल में एंटर करते हुए, अब ये हमारे अंदर का व्यू दिखाते हैं। अंदर स्टेज सजा था जहां पर माइम हुई थी, डांस हुए थे और सबसे पहले सरस्वती माता की पूजा हुई थी। यहाँ उन लड़कियों के मॉडल्स रखे हुए थे जो 1st, 2nd, 3rd आई थी, और लड़कियों ने मॉडल्स बनाए थे। उनको ट्रॉफी भी मिली थी 1st, 2nd, 3rd की, उन्हें ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। और ये माइम्स बनाई थी, और माइम्स की फुल वीडियो देखने के लिए हमारा कमेंट सेक्शन का मैं लिंक पिन कर रखा है, वो जाकर देखें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। शुक्रिया।